जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम मुमताज अहमद और मैं चक नंबर 393 गाबे का रहने वाला हूँ। हाई स्कूल का हेडमास्टर रिटायर हूँ और गांव का नंबरदार भी हूँ। एक दिन एक आदमी मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा कि ये सिमें आपको मुफ्त देते हैं, हमें कंपनी ने भेजा है बायोमेट्रिक के ज़रिए। उसने मुझे यू फोन की सिम दी और फिर चला गया। इसके बाद मैंने अपने एक शागिर्द जो को ये फोन का काम करता था हाफिज़ साहब, उनके पास गया। मैंने कहा मेरे नाम कितनी सिमें हैं, उसने कहा भी 3 हैं, 2 तो मैंने खुद ही करवाई थी लेकिन एक जौम की सिम मेरे नाम जैद लिखी गई। उस आदमी आने वाले आदमी ने वो धोखे से मेरे 2 मरतबा बायोमेट्रिक करके मेरे नाम से सिम निकाल ली और किसी और को दे दी। पता चला तो मैं जौम की फ्रेंचाइज पर जाकर उसे बंद कर दी, बंद करवाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें जो सादा लोग देहातियों को वो धोखा देते हैं और बड़े बड़े मुसीबतों में उन्हें गिरफ्तार करते हैं। इसका ज़रूर सद्देबाब होना चाहिए। थैंक्स जी सर, बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।